माई बूढ़ी माई सब लाई हो तोर रगवा रग दे बोला। कैसे बने नहीं लागत ऐसा लागत कैसे दीदी मने पर चुप चुप बैठे ए बताओ नवरात्रि के दिन के होते 10 दिन के 9 दिन की ना हां 9 दिन की तो ये बताओ माता रानी का का चढ़ते लाली चुनरी चढ़ते ना सब जन माता मनाना चाहते हो चुनरी चढ़ाना चाहते हो भजन के माध्यम से कहा तो भाई अभी चुनरी लाल नहीं कहा तो भजन के माध्यम से चुनरी चढ़ाना चाहते हो ना एक बार जोरदार जयकारा के साथ कहने का महामाई बूढ़ी माई समलाई हो तुर रंग मारग दे बोला। महामाई बूढ़ी माई समलाई हो तुर रंग मारग दे बोला। महामाई बूढ़ी माई समलाई हो तुर रंग मारग माई बूढ़ी माई समलाई हो तुर रंग मारग दे बोला।
चकनी सिया रामी चंद्र की श्री गुरु चरण सरोज रज मुझे मन मुकुर सुधार वर नौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान की सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरि हुकले सेविकार सियावर रामी चंद्र की जय। आज धन्यवाद धन्य थी यदि अपि सब विधिहीन निज जन जानी राम मोहि शंद समागम दीन शंद समागम दीन। छत्तीसगढ़ अंचल की रवैया गवई गांव की बसैया रामायण गीता की पढ़ैया धर्म की रद्दाओं में चलैया जमुना नारी मल्ला एक बार फिर से सादर दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करत हूं। और दीदी हो भैया हो बड़े ही सौभाग्य की घड़ी है कि आज आप मन के ग्राम सनौद में सुंदर भगवान राम के ज्ञान रूपी गंगा है कौन बहन है अवैशन पवित्र गंगा में गांव के नर नारी वह सुंदर डुबकी लगाते गोता लगाते अभी गंगा में डुबकी लगाए हुए इसलिए पुष्पांजलि महिला मनस मंडली के छोटे छोटे लेके मतलब घरों का आमंत्रण करे हो ते कर बता ही दर्शन धन्यवाद दी था काबर बताते ही गंगा ला सतयुग में ये धरती में उतारे खातिर वर भागीरथी महाराज कितना दिले तपस्या करे ऋषि कथे ई भगवान राम की चरण रज रूपी गंगा ला पाए बर माँ शबरी कतरा दिले प्रतीक्षा करी निषाद राज की मठ कतरा दिले प्रतीक्षा करी और ई भगवान राम की चरण रज रूपी गंगा ला अपन लंका नगर तक ले जाए बर लंका पति रावण कत्ति के कल्ले अपमानित हो रही यहाँ तक की जगत जननी सीता ला घलो करम करके ले गई रही आज ही शन पवित्र गंगा ला उतारे उमर भैया हो तो अब मन भागीरथी से कम नहीं हो और हमारे मामन माँ शबरी से कम नहीं है पर धन्य तो हमर मन के भाग रहे जो आज आप मन के गांव में आए तो हमला यहाँ बड़े बड़े संत मन के दर्शन हुए काबर बताती है संसार में केवल दो ही चीज दुर्लभ है ना कौन से चीज तो कहे संत के दर्शन और हरि की कथा सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होए संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ। हम सब इस संसार में जब जन्म लेके आता है ना तो यहाँ भी हमें सब कुछ के लाभ मिल सकते हैं ना रुपया पैसा धन दौलत पुत्र परिवार और ये सब पापी के घर में घलो खड़े थे कोई शंका की बात नहीं है लेकिन दुर्लभ है तो केवल दो ही चीज का संत के दर्शन और हरि की कथा तो ये दोनों हम लोग कब मिलते जब भगवान की कृपा होती तब बिना सत्संग विवेक न होई और राम की कृपा बिना सुलभ न सोई। तो ये मान के चलो आज हम सबके ऊपर भगवान की असीम कृपा बसे है आज हम सबके पुण्य उदय हो है पुण्य पुण्य बिना मिल ही न संता और सत्संगति संस्कृति करे अंता। तो आवन आप सब बोले ले चलथन रामचरित मानस के दूती सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 12 में पर सबसे पहले विचार करके देखो कि वास्तविक में रामचरित मानस का है कहीं में बड़े सरल लगते ना कोई पूछ देते गए गांव में काय होते बड़े आसानी से कही देते कि हमारे गांव में दो दिवसीय रामचरित मानस के आयोजन है दाई मतलब पूछ देते कहां जाता दाई वह मन कही देते ए रामायण सुने ला जात हो बेटा आए रामायण में का होते हो वही राम और रावण की कथा ताएगा कथा 2 मिनट में पूरा कथा समाप्त हो जाती लेकिन वास्तविक देखा ना तो यहाँ पे हम सबके जीवन के व्यथा में ये रामचरित मानस हम सबले जीवन जिए के कला सखा था रामायण रामधन अयन मतलब राम रूपी आयना आयना मतलब होते दर्पण दाई हो अब एक दर्पण तो आप हम सबके घर में है ना सबके घर में दर्पण ही सब जन देखे हो कौन कौन नहीं देखे हो हाथ ऊपर कर सब जन देख क्या होला अच्छा बात है भाई दर्पण देखो ऐसे मत सोचो दर्पण देखे पर मना कर दी का तुहरेज बात नहीं हम मन देखते हमला दिन भर में कई हाल हो जाते का बतावे कहू तो हु रामायण वाली मन पूछ पूछ ही होते का है उसने समय बंद थे अब एक दिन में 3 मन 4 मन रहते गाली गिरे भानु प्रताप को 3 मन रही से ए गांव के 9 गांव तक दीदी मन लव संचालक भैया बला थे फलाने ठिकाने दीदी मन हो दरी पार वाली बहनी मन के माथ में गुलाल लगा हो कभू कभार मला मौका मिल थे आके ले दे के कापत कापत नहीं तैसे से करत करत एक थने थे जाई तो एक थने डान आ जाते ए एक के साथ एक थ्री अपने मन लगा लेते अपने मन हंसते एक ठन गांव गे रहा है ऐसे गुलाल ला लगा गी सब जैसे लगा गए थे जब हंसे यहां से एड़ा दीदी मन हंसे थासे भैया मन घलो हंसे अब हम सोच में पड़ गए अभी कथन घलो चालू नहीं करे ने मन अतेक हमन लगा मन हंसते अब ये बगल वाली मोला इशारा करे ऐसे ऐसे और मुंह करू ऐसे ऐसे मैं कथू ऐसा में नहीं बने यार तब मोबाइल निकाल के देखो का हो गए की तब देखो नाक के खाली हम लगा दिया एकरेज पाए खासा दादा इस की धक्का लगा पहुंचे वो अब तो मन हां चूल्हा चौकी कर दो दाई हो हैं
और कोई ठंडक मौसम चलत है हाथ में करिया गेरवस लग गए है और कोई नाक काला शरीर पर है हैं और मेछा डाढ़ी बन गई और उसने कोई बहरी निकल पड़े होता हंसी इतनी हंसी एक जन हंसी वाला दिखाई देखते या फलानी कैसे बेंदरी बरोबर दिखत है हर कोई यही चाहते ना कि हम लोग कोई हंसे मात हम अच्छा दिखन हम सुंदर दिखन हम भी चाहते हैं अच्छा दिखो हम भी चाहते हैं कि तुम दर्पण देखो बस निवेदन अति हिदाई हो थोड़ कनी के मानस दर्पण ला घलक झांक के देख काबर वो कांच के दर्पण केवल हमला ए हमर चेहरा दिखत है ना ओमे सिर्फ हमर चित्र दिखथे और अपन चेहरा समर्थन देख के और ये मानस दर्पण में हमर ये चरित्र सुधरथे ए मानस दर्पण में झांक के देखन की वास्तविक में हमर ये चरित्र कैसे दिखत है हम राम जैसे दिखत हन कि रावण जैसे सीता जैसे दिखत हन कि सुरपुरखा जैसे ताकि हमर चरित्र में घलो कोई उंगली उठा मत सके जो रूप से सुंदर है वाला सुंदर नहीं कहे जाए सुंदर वही है जेकर चरित्र सुंदर है तो हमला अपन चरित्र सुंदर बनाना है यही कारण से गोस्वामी तुलसीदास एक कलयुग के नर नारी पर मानस दर्पण की रचना ल करे और जब रचना करी तो यहाँ पे सात सीढ़ी चार घाट के निर्माण करी चारों घाट में चार स्रोत और चार वक्त है यही राम की कथा ल कहा थे जिन आप मन के बीच में रखे बर जात हो अगर कथा में गलती हुई वाणी में टूटी हुई तो अपन बहनी अपन बेटी समझ के माफ कर दो तो कथा प्रसंग अयोध्या कांड अयोध्या मतलब तो जानते हो है ना आ मतलब आराधना यो मतलब योग धा मतलब ध्यान और या मतलब याचना जिन जगह में चारों निर्माण होते वही जगह अयोध्या कथे जैसे आज ये ग्राम सुनौ थे तो ना अयोध्या जैसे लागत है अयोध्या जहां कोई योद्धा प्रवेश ना कर सके जहां कोई योद्धा प्रवेश ना कर सके ये सात कांड में अयोध्या कांड ऐसे कांड रही हो जहां कोई जगह युद्ध की चर्चा नहीं होए जी है सुंदर बाबा जी लिखी का कि नाम मंत्र मंदमति चेरी के कई केरी अज से पिटारी ताही करी गई गिरामति फेरी कथा प्रसंग तो है भगवान राम के राज तिलक है ना राज तिलक होने वाला रथ रही हो लेकिन इसमें व्यवधान हो जाते है ना अब काबर होते कैसे होते वाला तो बताबीच करबो और आपो सब जानत हो तो ये दोहा के भाव का है नाम मंत्र मंदमति चेरी गई गई केरी अज से पिटारी ताहि करी गई गिरामति फेरी मंत्र नाम के एक जन दासी रथे दाई हो काकर के कई के नाम मंत्र मंदमति मंत्र नाम के कई एक दासी रथे जिला के संत की का मंद बुद्धि वाली जेकर ऊपर आज माता सरस्वती है तो ना अब जस के पिटारा लडार के ओकर बुद्धि ला फेर दी काबर फेरी कैसे फेरी और आगे का होई को ला विचार करके रखो एक छोटे से भजन के बाद प्रेम से बोले लखन से रामचंद्र की एक बार सब के ध्यान लेना जोरदार ताली आना चाहिए है ना तब लागथे कि हां ये जगह में राम कथा होत है और कहे भी जाते कहा कि बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता कि बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता और बिना दिल के कोई दिल वाला हो नहीं सकता और जो ना बजाए मेरी राम जी की भजनों में ताली वो मेरे राम का दीवाना हो नहीं सकता वो मेरे राम का दीवाना हो नहीं सकता अब मैं सब झाला देखा तो ऐसे मत सोचो कि पुष्पा बहनी नहीं हाँ व्याख्या करत है फिर गायन करत है हमला नहीं देखत होगी मैं सबला देखत हो ताली बजाही तो जान डरबो नहीं मना राम के कृष्ण के दीवानी दीवाना हरे की के और नहीं बजाही तो नल जान डरबो इच मन है रावण के दीवानी हरे कंस के दीवानी की के अब कौन ला रावण के दीवानी बनना है तू मन जानो भाई अब एक छोटी सी भजन Do 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 do.
अरिया है दुर्दिन गानी हरि राम जीवन की ताली भैया हरि राम जीवन की ताली अरिया है दुर्दिन गानी हरि राम जीवन की ताली भैया हरि राम जीवन की ताली सुरे छोला सेने देखी गाना कावर चुप पे बैठे होता है। चार दिन की जिंदगी में ऐसे की कथे, लेकिन ओकरो कोई ठिकाना नहीं है ना। पता है का चार दिन के है का साल भर के है का छह साल के है का दो साल के नहीं है। नहीं आने वाला की तो पता रहते कि हमर घर नौ महीना बाद नया मेहमान आने वाला है, लेकिन जाने वाला के पता एक मिनट पहले नहीं रहा कि ये हाँ जाने वाला है। तो हमारे साथ कुछ जाही, बेटा बहू जाही, धन दौलत जाही, पुत्र परिवार जाही, कुछ कुछ नहीं जाए जाही तो काम जो हम अच्छा काम करबो, धर्म करबो, कर्म करबो, जो हमर हृदय में भगवान राम ल बसाबो, ओकर नाम लेबो, वही साथ जाने वाला है। तो वो नाम ल कभी नहीं भुलाना है और कहना है का भूलेंगे ना हम तेरा नाम हो रामा मेरे नीरव तक।
लक्ष्मी सियारामी चंद्र की जय। तुम दाई हो आज सुंदर भगवान राम के राज्यभिषेक के बाद चला थे राजा दशरथ तो ना अच्छा समय में विचार करते कि मोर बेटा राम ला यू राजपद दे देखो अब वो योग्य हो गए। अब ये सब बात वाला सुना थे देखा तो कोना देवता है भगवान तो सब जगह जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के प्रकट हो ही जाना कथे। जब ये बात वाला सुनते ना देवता मन हम घबरा जाते काबे भगवान राम के अवतार काबर हो रहे भगवान ये धरती में अवतार लेके आए काबर उद्देश्य का है ये धरती के उद्धार करे बनाए ना भाई भगवान है। जब जब होई धर्म की हानि बाड़ी असुर अघम अभिमानी तब तब प्रभु ले विविध शरीरा और हरहु कृपानी ही सज्जन पीरा सबके पीरा ला हरे भरा है सज्जन के संत के साधु संत के हित के लिए मनुष्य के रूप में अवतार लेके आए और कोई और राजा बन जाए तो संसार के का होई देवता मन सोच में पड़ के काबर सब जन अत्याचारी रावण के मारे थर्रा गिरा है कोनो करिया के हवन नहीं दे होवन नहीं दे व्यक्ति ते हो ऋषि मुनि मन मार डरो ओकर यज्ञ भी ध्वंस कर दो ऐसे कहा। अब सुनते ना ये राजा पति तो बड़ा डरा हो नहीं है ना नहीं बनना चाहिए तो कैसे करबो सब देवता इकट्ठा हो गए साठ कट में बता दो तू हल्ला बाकी सब जनत सब इकट्ठा हो गए कैसे करना चाहिए वो राजा नहीं बनना चाहिए ऐसे उपाय करो जगर से वो अयोध्या नगर से निकल के वन में चले जाए तबे सबके कल्याण हो ही भाई। अब सब देवता सक लागे तब कैसे करना चाहिए माता सरस्वती कर की एक काम ला ही कर सकते गा है नहीं लंका जाए पर सब विचार कर नहीं ये काम ला कौन कर सकते कौन कर सकते ओला कथे तो नहीं अब तो मैं बुढ़ापा आ गए मोर ऐसे की जामन था अंतिम में हनुमान ला कथे वही इच्छा जा सकते वही कर सकते कैसे चुप है ये मन सब विचार थे एक काम ला केवल सरस्वती कर सकते चल तो ओकरे कर जाकर ओकर कर की सरस्वती माता कथे ऐसा ऐसा बात है सबके हित के लिए तोला एक काम ला करे लागही कैसनो करके ते भगवान ला राजा बनन मत दे ओकर राज्य भी से एक नहीं होना चाहिए बन निकल जाए इसे काम कर माता सरस्वती कथे कैसे हर कर हम भूतल सोप थप तो मन मोला आई दुनिया का कही एक तो अयोध्या में राम है तो सबके आंखी के तारा है राज के दुलारा है और तोलो मन ला बनवास निकल कर थस मोले अब जस के पिटारा बना का मोर ऊपर मोला अभ्यास नहीं कमाना है कि नहीं एमे तो अभ्यास नहीं हो एमे तो तोर नाम उजागर हो जाए है ना ये सबके कल्याण के लिए तोर यश बल की संसार में फैल जही तब माता सरस्वती है तो जाते दाई हो कहां अयोध्या नगरी में। अयोध्या नगरी में जब जाते तो सब दान नजर फैला के देखते कि मैं का कर बुद्धि फेर सको ऐसे